संविधान इंडिया। अरे अरे वीना वीना लिसन, सुनो तो। घटना अविनाश नाम के एक बिजनेसमैन की, जो मुंबई में रहता है और बिजनेस के लिए शहर से बाहर जाता रहता है। अभी-अभी हमने दो सीन्स देखे। सबसे पहले तो अविनाश अपनी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था और अपनी बीवी से प्यार जता रहा था, और अगले ही पल वही अविनाश अपनी उसी बीवी की तस्वीर को लेकर किसी खतरनाक आदमी से मिल रहा था। आखिर क्या इरादे थे अविनाश के? और यूं किसी अजनबी को अपनी बीवी की फोटो दिखाने का मतलब क्या था? क्या चाहता था वो उस अजनबी से? जाहिर था कहीं कोई गहरी साजिश अंजाम लेने को थी। वीना, क्या हुआ? क्या? बैठो बैठो। अरे अरे बैठो। कुछ भी देखते हो आप? अरे कुछ भी क्या, हाथ हटाओ। अरे हाथ हटाओ, देखो तो। ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। क्या कर रहे हो? सुनो तो, सुनो। क्या? ये ऐसे कपड़े पहनकर रैंप वॉक करके दिखाओ। बहुत काम है, छोड़ो। पता है ये खुशी जब घर में नहीं मिलती है ना, तभी आदमी बाहर जाता है। हाँ ठीक है, तो फिर बाहर ही ढूंढ लेना खुशी। हाँ ढूंढ लूंगा, बड़े आए खुशी ढूंढने वाले।
हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा, अब इतना तो टाइम लगेगा ना, घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से घर। हाँ ऑफ कोर्स पहुंचते ही फोन करूंगा। हाँ ओके ओके बाय बाय बाय। अभी मैंने आपका ना सारा सामान पैक कर लिया है, और कुछ डालना है? दो जोड़ी कपड़े और डाल दो। अभी आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो? एक महीना भी लग सकता है। पता है अभी कभी कभी ना मुझे लगता है कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स। लेकिन फिर कभी लगता है कि आप तो महीनों तक गायब हो जाते, कहीं दूसरा घर तो नहीं बसा रखा। ओह माय गॉड, तुम्हें पता चल गया? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, देखो मैं तुम्हारे हाथ पकड़ रहा हूँ, मैं ना पूरा का पूरा तुम्हें ही पकड़ लेता हूँ। छोड़िए, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए। चलिए फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। लो, तुमने ही मुझसे कहा था कि घर में खुशी नहीं मिलती तो बाहर जाके ढूंढ लो, अब तुम ही मुझे बाहर भेज रही हो। अगर मुझे शक भी हुआ ना कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपके छोटे 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 टुकड़े कर दूंगी। अच्छा चलो छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं नहीं छोड़ूंगी। नहीं मेरी बच्ची जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे? लगता है अविनाश तुम्हें बहुत खुश लगता है। जी मुझे बात कराइए ना। एक मिनट, ले अपनी चाची से बात कर। हेलो, नमस्ते चाची जी। गॉड ब्लेस यू बेटा। अब ये हंस क्यों रही हो? वो चूहा पैर पे से निकल गया। चूहा? अच्छा, वो चूहा जो अभी भी तेरे साथ है? हाँ नहीं, वो आप मतलब मैं समझ गई, मैं भी तेरे चाचा को चूहा ही बुलाती थी। अच्छा अब चाची जी आप बताइए ना, आप वापस मतलब यहाँ कब आ रही है? आऊंगी ना, जल्दी आऊंगी, लेकिन जब अविनाश घर पे हो। हम लोग जब भी आते हैं अविनाश घर पे नहीं रहता। जी चाची जी, अभी वो चेन्नई जा रहे हैं। लो अच्छा चाची जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बस वापस आने का प्लान बनाइए। जी अभी मुझसे मिले बिना जा रहे हैं। आदा तुमने मिलने का दिया, हमारे चाचा चाची बीच में आ गए। अब आग बंद कीजिए। क्यों? अरे कीजिए। ओके। अब जाइए। यार तुम एक काम करो, मेरे ट्रैवल एजेंट को फोन करो और मेरी टिकट कैंसिल करवा दो। क्यों? कौन यार, तुम इतना प्यार दिखाओगी तो मैं थोड़ी ना जा पाऊंगा। अब आप जाइए जाइए। ओके 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 चलो बाय, टेक केयर। ओके अच्छा सुनिए, जल्दी आना। बाय। आई विल मिस यू अभी, I will surely miss you. मैं बहुत खुशकिस्मत कि तुम मेरे पति हो। पहले काम की बातें हो जाए, स्विमिंग भी कर लेंगे। तुम्हारी कंपनी तो अभी कल आके ऑफिस से कर लेते। विली
That's good. चेन्नई पहुंचकर फोन तक नहीं किया और अब फोन भी नहीं उठा रहे। अभी अविनाश दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ तो मुंबई में अपनी वाइफ वीना को चेन्नई जाने की बात कहकर निकलता था, लेकिन दिल्ली जाकर मोनिका नाम की औरत के साथ रहता था। साफ लग रहा था कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है, लेकिन उन दोनों की बातचीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे सच्चाई सिर्फ इतनी सी नहीं है, उन दोनों के बीच कोई लेन देन भी था। आखिर माजरा क्या था? अविनाश एक साथ दो नावों में कब तक सवार रह सकता था और इसका क्या अंजाम होने वाला था? मोनिका, कम आउट। कहाँ लेकर जा रही हो? अरे बाबा क्वाइट, थोड़ा पेशेंस तो रखो। ओके कम है। ओके अभी घूम जाओ। ओह सरप्राइज। ये क्या है मोनिका? अविनाश, ये हमारा घर है। रियली? मतलब तुम और मैं? हाँ, मिस्टर एंड मिसेस अविनाश अग्रवाल। That's great. आओ। Wow. Monica, this is beautiful. This is really beautiful. Amazing. This is really awesome. Very beautiful. अरे डैश। डैड, ये सब सरप्राइज। हाँ बेटे, तुम्हारे शादी की खुशी में हमारे तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा। शादी की खुशी में? मैं समझा नहीं, मतलब? अरे मतलब मम्मी पापा ने हमारी शादी को मंजूरी दे दी है। रियली? हाँ, अब तुम्हें हमसे दूर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाई जब मियाँ बीबी राजी तो फिर क्या करेगा काजी? इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हर माँ बाप ऐसे ही सोचने लगे तो फिर उनके बच्चों को भागकर शादी करने की कोई जरूरत नहीं। जीत रहे बेटे, जीते। आ बेटे बैठो। या कम अविनाश जी, मैं ये सोच रहा था कि अब तुम यहीं दिल्ली में आकर सेटल हो जाओ। भाई तुमने कहा था कि अब तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर मुंबई में रखा क्या है? यहाँ दिल्ली आ जाओ, मेरी बेटी मोनिका के साथ मेरे बिजनेस को संभालो, और इस बहाने मेरी बेटी हमारे आंखों के सामने तो रहेगी। क्यों? अच्छा अब हम चलते हैं। एंड इस घर की चाबी, आज से ये घर तुम्हारा। Dad. Thanks, sir. It's okay. चलो भाई, अब बच्चों को थोड़ा अकेले तो छोड़ो। Okay. Yeah, bye, Dad. Bye, bye. Bye, bye Dad. Take care. चल। ये केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नहीं, बल्कि दूसरी शादी का था, वो भी गहरी साजिश के साथ। आईपीसी की धारा 494 के तहत बिगैमी, यानी एक साथ दो शादियां करना जुर्म। यह मोनिका के पिता बड़ी बिजनेस के मालिक थे और अविनाश की नजर उनकी बेटी और उनके बिजनेस दोनों पर थी, जो उसके हाथ आ ही चुका था। अविनाश बहुत ही शातिर आदमी था, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वो अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा?
क्या अविनाश की फर्स्ट वाइफ वीना इसी तरह से अंधेरे में रहेगी? और क्या मोनिका को उसकी असलियत का पता चल पाएगा? ये लीजिए आपकी मसाला चाय। कैसी है तू? एकदम मजे में, दिख नहीं रहा? अच्छी तरह से दिख रहा है। लो आज फिर हम लोग घर पे आए हुए और अविनाश नहीं है। ठीक है, वैसे कब आएगा वो? बस 15 दिनों में, बस कभी कभी 1 महीना लग जाता है। वो क्या है ना, वो बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, उनका बिजनेस ही कुछ ऐसा है। अरे हाँ, वो फोन। हाँ बेटा, मैं एक फोन कर दिया था। वीना इधर आओ ना मेरे पास। वीना, पति का महीनों महीनों तुझसे दूर रहना अच्छी बात नहीं है, या फिर तुम में कोई कमी है जो वो तुमसे दूर रहता है? नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन अभी का ना बिजनेस ही कुछ ऐसा है, वो हमेशा बिजी रहते हैं। आप नहीं जानती, जब वो घर पे होते हैं ना तो मुझे एक पल अकेला नहीं छोड़ते, बस मेरे आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो तुम्हारे बिना कैसे रह लेता है? अच्छा एक बात बताओ, अविनाश को तुम हर तरह से खुश तो रखती हो ना? मतलब? मतलब ये कि वो जो कुछ भी कहता है वो तुम मानती हो ना? हाँ चाची जी, पर कभी कभी ना वो बड़ी उल्टी सीधी फरमाइशें करता है, मुझे शर्म आती है। देखो वो जो भी फरमाइश करता है ना उसको तुरंत पूरा करना, क्योंकि मर्दों का भरोसा नहीं रहता है, वो जो चाहते हैं ना वो अगर घर की बीबी से ना मिले तो बाहर ढूंढ ही लेते हैं, समझ रही हो ना? कैसे कपड़े पहनती हो, कैसे चोटी बांधी हुई है, फेस देखो अपना, अपना ध्यान नहीं दोगी तो कैसे तुम्हारी तरफ ध्यान देगी? का फोन है, जाओ मैं जाके उसे देख आओ। कैसी बात कर रहे हैं आप, जमाई बेटी के साथ कमरे में है और मैं जाके दरवाजा खटखटाऊं? अरे बाबा अब वो तुम्हारा जवाई है, जाओ जाके देख आओ। कुछ भी आप चाय पीजिए, मैं नहीं जाने वाली, लीजिए अपनी चाय। कब से बज रहा है फोन, उठाइए। अरे बाबा अविनाश का फोन है, मैं कैसे उठा सकता हूँ? देखिए कोई जरूरी कॉल होगा। अवि, मैं कब से तुम्हें पिक्चर सेंड कर रही हूँ, रिप्लाई तो करो। जी आप कौन बोल रही? जी वो ये मिस्टर अविनाश अग्रवाल का नंबर है। जी जी अविनाश का ही फोन है, इस वक्त ये फोन मेरे पास है, वो थोड़ा बिजी है। आप कौन बोल रही?
जी मैं मिस्टर अविनाश की बीवी बोल रही हूँ। हेलो हेलो जी, मैं आपसे उनकी बात करवा देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना? ठीक है। किसका फोन था? कौन है ये? अविनाश की पत्नी। क्या? अविनाश! डैड, क्या हुआ? मोनिका बेटी, तुम्हें पता है ये अविनाश तुम्हें धोखा दे रहा है, इसकी शादी हो चुकी है, पता है तुम्हें? ये देखो, देखो इसे। डैड, मैं इसे जानती हूँ। What? जानती हो? ये अविनाश की एक्स वाइफ है, इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तू जानती है इसे? हाँ, लेकिन डैड, अविनाश और इसका डिवोर्स हो चुका है। आप पहले ही शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, मुझे लगा कि अगर आपको पता चल गया तो मैं डर गई थी डैड। अगर तुम्हें पता ही था कि इसका डिवोर्स हो चुका है तो फिर ये सब क्या है? वो लड़की आज भी इसे कांटेक्ट क्यों करती है, क्यों मैसेज भेजती है इसे? मैं कैसे लग रही हूँ? और तो और उसकी आवाज भी इतनी ऑथोरिटी थी कि वो आज भी इसे अपना पति मानती है। एक्चुअली डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि वो अभी भी मुझसे संबंध बनाए रखना चाहती है। शी वॉन्ट्स कि मैं उसके पास वापस चला जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है डैड, क्योंकि हम दोनों का तलाक हो चुका है। ट्रस्ट मी। हाँ पापा, अविनाश बिल्कुल सच बोल रहा है। प्लीज फॉरगिव अस। या डैड, प्लीज, आई एम सॉरी। ठीक है, अगर यही बात है तो तुम मुझे अपना डिवोर्स पेपर्स की कॉपी लाके दो, ताकि मैं सारे न्यूज़पेपर में ये डिक्लेयर कर दूं कि अब वो तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि मेरी बेटी मोनिका के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है। थैंक यू सो मच डैड। इट्स ओके बेटा। अविनाश, तुम जल्द से जल्द मुझे वो डिवोर्स पेपर्स की कॉपी ला दो, मैं खुद न्यूज़पेपर जाके इसे डिक्लेयर करूंगा। डैड, न्यूज़पेपर में देने की क्या जरूरत है? डोंट यू थिंक ये हमारा पर्सनल मामला है? आपको मेरे पर विश्वास नहीं है क्या डैड? यकीन तुम पर है अविनाश, पर मुझे उस लड़की पर यकीन नहीं है जो आज भी तुम्हें अपना पति मानती है। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, जाके अपना डिवोर्स पेपर्स की कॉपी मुझे लाके दो। जी, ओके। कहते हैं एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और अविनाश यही कर रहा था। लेकिन उसकी शातिर दिमागी तो देखिए, उसे अपनी शादी की बात खुलने का पूरा अंदाजा था, इसलिए उसने पहले ही मोनिका को अपने भरोसे में लेकर वीना को अपनी तलाकशुदा पत्नी बना दिया था। जाहिर है इसके लिए भी उसने कोई कहानी बनाई होगी। मोनिका से शादी तो कर ही चुका था, लेकिन अब लड़की के रिश्तेदारों के सामने रिसेप्शन की तारीख नजदीक आ रही थी, और वीना के लगातार आ रहे फोन और मैसेजेस ने मोनिका के पेरेंट्स के मन में शक पैदा कर दिया था। We'll be right back.
पता है, इस बार हमारी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी है और तुम्हें घर पर रहना है। अरे हमेशा चाचा चाची कहते हैं कि तुम कभी होते ही नहीं हो, इस बार मैं उन्हें बुला रही हूँ और वो तुम्हें मिलना चाहते हैं। लेकिन मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। अरे फिर से नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे, प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके, लेकिन इसे फोन, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? इतनी देर से फोन लगा रही हूँ, उसी के साथ हो क्या? मैम नहीं, क्या हुआ क्या? लिसन, डैडी यहाँ जिद पर अड़े हुए हैं, उन्हें तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स देखने हैं। ओके ओके, डोंट वरी, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो तो। वो एक्चुअली यार, चेन्नई से पार्टी का बार बार फोन आ रहा है, बहुत जरूरी काम है तुम्हें। फिर से? हाँ अभी अर्जेंटली ये करना पड़ेगा। लेकिन 12 जुलाई में अभी बहुत टाइम बाकी है, मैं एनिवर्सरी तक आ जाऊंगा। ओके, डोंट वरी। मोनिका के पेरेंट्स ने अविनाश के डिवोर्स पेपर देखने की जिद ठान ली, जिसने उसे मुश्किल में डाल दिया था। अगर यही सावधानी उन्होंने और मोनिका ने पहले बरती होती तो शायद वो इस धोखे से बच सकते थे। अविनाश अब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस चुका था। वहां रिसेप्शन की तारीख नजदीक आ रही थी और यहां वीना अपनी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर काफी एक्साइटेड थी। ओके। अरे अरे वीना, वीना लिसन, सुनो तो। वीना वीना रुक जाओ, देखो तुम गिर जाओगे। देखो, अरे छोड़ो, सुनो तो। चाचा जी, चाची जी, जी तो रहो बेटी। चाची खुश रहो, जी तो रहो। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर। अविनाश, तुम कहीं बाहर गए थे? जी हाँ, मैं अभी चेन्नई से आया। हाँ आप खड़े क्यों? आइए ना, आइए प्लीज। वीना, एक्चुअली मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम। आज के दिन अब भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि चाचा चाची सिर्फ तुमसे मिलने आए दिल्ली से। हाँ आई अंडरस्टैंड, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, तुम एक दिन के लिए आते हो और हफ्ते और महीनों भर गायब रहते हो। मैं कौन हूँ? क्या मैं कोई खिलौना हूँ? Yeah, relax. Just calm down. मैं क्या करूँ, मेरा जॉब ही ऐसा। तो छोड़ दो ये जॉब, घर पे बैठे रहो। What's wrong with you, वीना? तुम अपने रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? और मैं चेन्नई पैसे कमाने जाता हूँ, ऐश करने नहीं। यहाँ कोई जॉब कर लो ना, यहाँ पर पैसे कमाओ, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है। अविनाश तुम्हें धोखा दे रहा है। वीना, हमने अविनाश को दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा था। वो किसी लड़की के साथ। नहीं, चाची जी, अविनाश मुझे धोखा नहीं देंगे। ये देखो बेटा, ठीक से देखो। अविनाश आज सुबह दिल्ली से आया है, चेन्नई से नहीं। अविनाश के ट्रैवल एजेंट का नंबर है। देखिए सर,
हम ऐसे किसी के बारे में जानकारी नहीं दे सकते आपको। भाई साहब, इस मासूम की जिंदगी का सवाल है, आप एक बार सोच लो, अगर इसकी जगह आपकी बहन होती तो क्या आप नहीं करते थे? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई साहब, प्लीज। ठीक है, अगर उनकी जिंदगी का सवाल है तो मैं, पर देखिए सर, किसी को बताइएगा मत। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मिस्टर अविनाश अग्रवाल पिछले कई महीनों से दिल्ली जा रहे हैं और कहीं नहीं, और वो होटल ब्लू डायमंड में हमेशा ठहरते हैं। ब्लू डायमंड होटल? मलिक, इस बंदे को जानते हो? हाँ, मैं तो इन्हें जानता हूँ, ये अक्सर हमारे होटल में ठहरते हैं, पर अब इन्होंने अपना घर खरीद लिया है और अपनी पत्नी के साथ ये वहीं रहेंगे। पत्नी? इनकी पत्नी मैं हूँ? क्या बात कर रही हैं आप? अब मेरे पास इनकी रिसेप्शन का कार्ड है, एक मिनट। ये देखिए, आज ही इनकी रिसेप्शन है किसी मिस्टर खुराना की बेटी मोनिका के साथ। आप फिक्र मत कीजिए, अगर अविनाश ने आपको धोखा दिया है तो वो जल्द सलाखों के पीछे होगा। पूछिए आप इसे। किसने आने दिया इसे? एक मिनट खुराना साहब, इस लड़की की कंप्लेंट कि ये इसकी पत्नी और ये शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे मालूम है, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि इनका डिवोर्स हो चुका है। नहीं, हमारा कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, मैंने इन्हें कोई डिवोर्स नहीं दिया है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं अभी आता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसे हो ही कैसे सकता है? ये देखिए, ये है डिवोर्स के कागजात, अच्छी तरह से तसल्ली कर लीजिए और इसके बाद इन दोनों को यहां से बाहर ले जाइए, वरना मैं इन दोनों पर मानहानि का केस कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। पेपर सही है, इन्होंने इन्हें तलाक दिया है, आप इन्हें लेके यहां से चलिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, मैंने इन्हें कोई डिवोर्स नहीं दिया, मैंने डिवोर्स क्यों दूंगी चाचा जी? मैं जानता हूँ रीना, मैं सब जानता हूँ, लेकिन इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, चलो यहाँ से। तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ कह रहे हैं, मैं अभी इसकी पत्नी हूँ, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। इसका मतलब ये कि आप सच कह रही हैं और ये सरकारी पेपर झूठ, ये साइन आप ही की है ना? कि साइन मेरे जैसे ही है पर मेरे नहीं। और ये तस्वीर? तस्वीर मेरी पर मैंने इस पे कोई साइन नहीं किया है। गोयल साहब, आप इन्हें एक अच्छे सेक्रेटरी को दिखाइए। चाचा जी आप तो मेरा यकीन कीजिए कि मैंने नहीं साइन किया है। मीना, तुम समझती क्यों नहीं? यहाँ पे तस्वीर तुम्हारी है, उसके ऊपर सिग्नेचर है और कहती है मुझे कुछ पता ही नहीं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना तो मत कीजिए, लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगी। रुको मीना, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, चलो। आप जानते हैं किसने बनाया? ये किसने बनाया? भाई साहब, ये डिवोर्स के पेपर किसने बनाए हैं? अरे तो राघवन के। कहाँ मिलेगा वो? ये तो आपको एक ही जगह मिल सकता है। कहाँ? स्वागत डांस बार में।
वीणा, तुम घर जाकर मेरा इंतजार करना। वो ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं है, वहाँ अच्छे लोग नहीं आते। वहाँ जो लोग आते हैं वो अविनाश से तो अच्छे ही होंगे, जो भी करते हैं कम से कम ईमानदारी से तो करते हैं। नहीं चाचा जी, ये लड़ाई मेरी है, मैं इसे खुद जीतूंगी। राघवन तुम ही हो जी? अविनाश का डिवोर्स तुमने ही करवाया था? हाँ, मैंने करा। अच्छा, किससे? उसकी पत्नी से। और किससे? इससे जानते हो? यह है अविनाश की पत्नी वीणा। वो आया था मेरे पास, उसको अपनी पत्नी से डाइवोर्स चाहिए था सर। और अरे अविनाश जी, बड़े दिनों बाद याद किया। कैसा राघव? फर्स्ट क्लास। कुछ से एक काम करा, मुझे मेरी बीवी से तलाक चाहिए। ये उसकी तस्वीर। तो ले लो, मुश्किल क्या है इसमें? दरअसल मुझे मेरी बीवी से तलाक चाहिए और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, एक बीवी का इंतजाम करना पड़ेगा जो कोर्ट में तुमसे तलाक लेगी वीना अग्रवाल के नाम पर। बाकी मजिस्ट्रेट के सामने क्या बोलना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। हारा कौन? ऑल सेट। लेकिन लड़की का है जिससे मेरा तलाक होगा, ये देख। मतलब आई था, आप खूब बिजी हो साहब, फक्त दोन मिनट साहब। अरे ये फोटो कहाँ है? फोटो लगाओ जल्दी से साहब। साहब गम खत्म हो गया, आप साइन कर दो, मैं फोटो चिपका देता हूँ साहब। ये फोटो है साहब। मैंने बस एक लड़की को अरेंज करके उसकी बीवी के साथ उसका डाइवोर्स कराया। अविनाश जी, हनीमून पर जा रहे हो, एंजॉय योरसेल्फ। अविनाश तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, वो लड़की अब कभी लौट कर नहीं आएगी, और वैसे भी अब तो कानून भी हमारे साथ है। मैडम, जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, वो कानून उनका साथ नहीं देता। ठहरो इंस्पेक्टर, आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। अब तो अविनाश और इस लड़की के तलाक के कागजात भी हमारे पास है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। राणा साहब, आपका जमाई वकील से खूब बातें करता है। बताऊं इसकी करतूत? इसने एक वकील के साथ मिलकर एक लड़की को नकली वीना बनाकर कागजों में साइन करवाया, उसने सब कुछ वक्त दिया है। भाई सच कह रहा हूँ ना मैं? अरे राणा साहब, इसने ना तो सिर्फ वीणा को धोखा दिया है, आपकी लड़की मोनिका को भी। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। मोनिका, ये जो कुछ बोल रहे हैं सब झूठ है। मैं सच बोल रहा हूँ। देखो ये एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे ऊपर। चीट? हाउ कुड यू डू दिस टू मी अविनाश? यू आर चीट। वीणा, वीणा चीट? मैं नहीं हूँ चीट, ये है। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। ये इस लड़की ने मुझे झांसा देकर फंसाया है, ट्रस्ट मी। कमाल है अविनाश, तुम तो मोनिका की भी नहीं हो सके। रुको अविनाश,
आज तक तुमने जो कुछ भी मुझे दिया उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये डिवोर्स के पेपर्स हैं, इस पे तस्वीर भी मेरी है और दस्तखत भी। इंस्पेक्टर इस आदमी को लेके जाइए। अविनाश ने अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की थी और कानून की जुबान में इसे बिगैमी कहते हैं। आईपीसी की धारा 494 और मोनिका और उसके परिवार वालों को धोखा देने के लिए आईपीसी की धारा 406 के तहत यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए अविनाश को 5 साल की सजा सुनाई गई। राघवन ने अपनी वकालत का गलत इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से उसे बार ऑफ काउंसिल से डिसमिस कर दिया गया और उसे आईपीसी की धारा 465 के तहत यानी फॉर्जरी के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई। वीना की इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं, लेकिन मोनिका की भूल जरूर थी। उसने शादी से पहले अपने होने वाले पति का बैकग्राउंड चेक नहीं किया था और ना ही उसके माँ बाप ने इसकी जरूरत समझी। डिवोर्स के पेपर्स रिसेप्शन के बजाय शादी से पहले चेक किए जाने चाहिए थे। कई लोग शादी ब्याह के मामले में ऐसी लापरवाही करते हैं। याद रखिए, अपने लिए लाइफ पार्टनर्स चुनते वक्त उसका पूरा बैकग्राउंड चेक और उसके आगे पीछे की हर जानकारी को पूरी तरह से अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर ले। हो सकता है कि आप किसी बड़े धोखे से बच जाए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मैं हितेन तेजवानी आपसे विदा लेता हूं। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।